सर टोटल सेफ रहता है ना पूरा फ्लाइट्स? ये पूरा फ्लाइट सेफ नहीं रहता है, कुछ सेफ कर रहे हैं। अच्छा भाई, 100-200 ज्यादा ले ले, लेकिन लैंड करा दे। मॉर्निंग 2022 की पहली गुड मॉर्निंग फ्रॉम सापुतारा गुजरात। और आज हम दोनों करने जा रहे हैं हमारे बकेट लिस्ट को टिक करने के लिए। आज की एडवेंचर एक्टिविटी मैं आपको बोल के नहीं बताऊंगा, आप लोग देखो। अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे होटल से, जो एक्टिविटी हम लोग करने जा रहे हैं वो सिर्फ 6 मिनट की दूरी पे, और जो एक्टिविटी मैं करने जा रहा हूँ वो 3000 फीट ऊपर है। तो बोल के इसके लिए नहीं दिखाएंगे, मतलब बोलने के लिए अभी हिम्मत नहीं पड़ी है, क्योंकि कल रात से हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि जो चीज़ आज हम लोग कर रहे हैं वो सक्सेसफुली हो जाए, अच्छे से हो जाए। तो आप लोग वो एक्टिविटी ब्लॉग आ गया, मतलब हो गया कि ब्लॉग नहीं आया तो दुआ में याद रखना। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हमारे हेलीपैड पे। अब मैं हेलीपैड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये है पैराग्लाइडिंग का पैड। यहां से होने वाली पैराग्लाइडिंग, जो हमारे 2022 का पहला एडवेंचर एक्टिविटी होने वाला। 2021 में हम लोग ने स्कूबा डाइविंग किया था, बकेट लिस्ट को टिक मार्क किया था, और ये है हमारा सेकेंड बकेट लिस्ट। द टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ में जो आता है वो पैराग्लाइडिंग है। रात को मेरी और मोहित की सिर्फ फट रही थी सोच के। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो देख के समझ जाऊँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जबान से कुछ निकल नहीं रहा है। अब फील ऐसा हो रहा है जैसे एग्जाम रिजल्ट आने से पहले कैसा डर लगता है कि क्या होगा क्या होगा, पास होने वाले, बट डर जो है ना, बिकॉज 9 बजे का यहाँ पे टाइमिंग था और अब 9:30 बज रहे हैं, बट अभी तक यहाँ पे इनके मैनेजर नहीं आए हैं, तो और एक्साइटमेंट है और डर है। अभी तो मन कर रहा है जैसे ही आएंगे, नहीं पहले मेरे को पैराशूट पहना, मैं डालूंगा, नहीं नहीं पहले किसी और को भेजेंगे, पहले देखेंगे हम लोग जिंदा वो पे सारे, फिर हम लोग जाएंगे। तो अभी सारे पैराग्लाइडिंग के जो पायलट से वो आ जाएंगे, हम लोग अपना पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करेंगे। बट हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, डर ज़्यादा लग रहा है, एक्साइटमेंट उससे ज़्यादा है। तो पैराग्लाइडिंग के सीन्स आप लोग से हम लोग डर की सीमा तो लाइक मैंने क्रॉस कर दी, बिकॉज मेरे को पहले हाइट को भी आए, कुर्सी के ऊपर चढ़ जाओ तो मेरी फट जाती है, और अब डायरेक्ट पैराग्लाइडिंग। अब इस बार 2022 का पहला मैं नहीं बन जाऊँगा। मैं क्यों आया यहाँ पे? तो 200 ज़्यादा ले ले, लेकिन लैंड करा दे। तो देखो प्लान में थोड़ा सा चेंज है, पैराग्लाइडिंग के लिए टाइम लगेगा। हम लोग को बताया गया कि 11-12 बजे पैराग्लाइडिंग होगा, बट हमने सोचा कि जब हवाओं के मज़े लेने ही हैं आज के दिन में, तो क्यों ना रोप वे कर ले। और राइट नाउ वी आर एट रोप वे सापुतारा। मोहित को हाइट फोबिया है, एंड हियर इट इज, पहला हाइट फोबिया वाला बंदा। गलती की भाई, इधर आके अभी पैराग्लाइडिंग करने के लिए और फट रही है। का पहला एक्टिविटी खत्म। अब मैं मेरे भाई को पूछता हूँ कि हाइट का डर निकल गया कि नहीं निकल गया? अब बहुत डर लग रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग करने के लिए, तो अभी हाइट्स ऑफ द हाइट्स वाला एक्टिविटी होने वाला है। तो लेट्स डू दिस। निकल निकल निकल, इसको एडवेंचर चालू हुआ नहीं है, इसके अंदर फंस गया। अब मेरी बैटरी है ना,
अब कैसा लग रहा है? अब ना मेरी मुझे लगा मेरे को साथ में लेके जाएगा ये, डबल सीट लेके जा रहा है। थैंक यू सो मच सर, वेलकम, हैप्पी न्यू ईयर सबको। ये है परफेक्ट की स्टार्टिंग, स्माइल स्माइल नहीं रुक रही मेरी स्माइल आज तो, वाओ। और 2022 का आई थिंक सर ये हम लोग फर्स्ट पर्सन है जो राइड कर रहे हैं, राइट? यस, फर्स्ट राइड, हम लोग फर्स्ट राइडर है हम लोग यहाँ पे अभी जो 2022 में राइड कर रहे हैं, और ये बहुत घूम रहा है और मेरी फट भी रही है, बट बहुत मजा आ गया। और आप कहाँ पे रहने के लिए हो सर? यही सापुतारा से ही हो? ओके, सामने जो गांव है। अच्छा, सो सर सापुतारा से ही है, और ये आज का उनका सेकंड फ्लाइट है, बट ये 2011 से फ्लाइट कर रहे हैं। सर टोटल सेफ रहता है ना पूरा फ्लाइट? ये पूरा फ्लाइट सेफ नहीं रहता, पर सेफ कर रहे हैं। अच्छा भाई, तो 200 ज्यादा ले ले, लेकिन लैंड कराते लैंड। सर ने आज बहुत एंजॉय करा, थैंक यू सो मच। सॉरी Wow, that's freaking amazing experience. So, भाई साहब, amazing experience, amazing. तो हवा में आप लोगों को मेरी कुछ बातें समझ में नहीं आई रहेगी। मैं सर से बात कर रहा था कि इंडिया में पैराग्लाइडिंग कहाँ कहाँ होती है, तो सर ने हमें बताया कि मनाली में सबसे हाईएस्ट पॉइंट से होती है, एंड उसके बाद हिमाचल्स में बहुत सारे पैराग्लाइडिंग साइट्स होते हैं, एंड यहाँ पे सापुतारा में फर्स्ट पैराग्लाइडिंग ओपन हुई, जो महाराष्ट्र और गुजरात से देख रहे तो सापुतारा इज़ द प्लेस, वहाँ पे आप लोग सापुतारा पे पैराग्लाइडिंग कर सकते हो। और आज हम लोग जहाँ पे से लैंड हुए ना, वो जहीं से जहाँ से हम लोगों ने टेक ऑफ किया वहीं से लैंड हुए, क्योंकि हवा की वजह से
यहाँ पे दो रूल्स है, अगर हवा ज्यादा होगी तो उन लोग ऊंचाई पे लेके जाते हैं और ऊंचाई में गोल घुमा के वहीं पे लैंड कराते हैं जहाँ पे इन्होंने टेक ऑफ किए, बट अगर हवा थोड़ी सी कम होगी साथ देंगे तो डाउन टाइट हम लोग जाते हैं और नीचे उन लोग का एक हेलीपैड होता है वहाँ पे जाके इन लोग लैंड कराते हैं एंड सेम प्लेस पे उन लोग लेके आते हैं उनके खुद का व्हीकल से। एंड आई एम सो हैप्पी कि 2022 का फर्स्ट पैराग्लाइडिंग सापुतारा से मैंने किया। मैंने तो यस, आज के दिन का पैराग्लाइडिंग वाला एकदम खतरनाक एक्टिविटी करने के बाद हम आ चुके हैं सनसेट पॉइंट पे। सापुतारा में आप लोग सनसेट एंड सनराइज दोनों भी देख सकते हो। हम लोग आए हैं सनसेट पॉइंट पे। मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हो, जो पहाड़ देख रहे हो, वो पहाड़ से हम लोग ने किया था पैराग्लाइडिंग, उसके एग्जैक्ट सामने सनसेट पॉइंट है। यहाँ पे बोर्ड मैप किया हुआ है सनसेट पॉइंट एंड सनराइज पॉइंट के, वो आप लोग आराम से देख सकते हो। एंड सापुतारा की सबसे खास बात क्या पता है क्या, 10 मिनट के डिस्टेंस पे आप लोग सब चीज़ एंजॉय कर सकते हो। मेरे होटल से 10-10 मिनट के डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स थे, सनसेट पॉइंट, सनराइज पॉइंट, पैराग्लाइडिंग पॉइंट एंड लेक, जो सापुतारा लेक है वो भी मेरे होटल से 5 मिनट्स के डिस्टेंस में थे। तो ये सापुतारा की बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी एंड पैराग्लाइडिंग वाला एक्सपीरियंस तो आप लोगों ने देख लिया, वॉच अमेजिंग है ना, बहुत मज़ा आया। जितना भी लोग रूमर्स फैला रहे थे कि बहुत डर लगता है, बहुत ही होता है, कुछ नहीं होता, जस्ट फॉर अ मोमेंट वो थोड़ा सा एक हल्का सा डर रहता है, बट ऊपर जाने के बाद जितना पीसफुल लगता है वहाँ पे, लाइक दुनिया से परे एकदम शांति सुकून वाला माहौल लगता है वहाँ पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू द सनसेट पॉइंट, क्योंकि अब आप देखने वाले हो द ब्यूटीफुल सनसेट टाइम लैप्स फ्रॉम सापुतारा। ऑल दीज मेमोरीज दैट वी मेड won't fade away for a while. You said you don't mind, that you'll be just fine. No room for second chances. Hey, I got all that I need. No need to apologize. We won't waste any more time. Yeah, I am all that I need. No need to apologize. सनसेट फ्रॉम सनसेट पॉइंट फ्रॉम सापुतारा। और आज के दिन के व्लॉग के लिए इतने ही रखते हैं। सो अगर आप लोग को आज का ये व्लॉग पसंद आया तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर कमेंट, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, बहुत मज़ा आएगा आगे आने वाले वीडियोस देखने में। रुको रुको, एडवेंचर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अब बहुत सारे एडवेंचर्स तो अभी बहुत सारे एडवेंचर्स बाकी है, ये वाला एडवेंचर नहीं जो बात करते। सो यस, thank you for being a part of my vlog. We will see you soon in my next video. Till then, live life king size. Bye-bye. Okay, bye.